हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया कराया जा रहा है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक भी चीज़ फालतू की बात नहीं होती, आपके एग्जाम्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात होती है। एंड 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 100 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपना आउटपुट दीजिएगा कि 100 में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। एंड जैसा कि आपका BPSC TRE 3 का जो एग्ज़ाम है 7 जून से 15 जून के बीच में हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके पास टाइम नहीं है, आधा अप्रैल आपका बीत चुका, मई के बाद आपका जून में आपका एग्जाम है, यूं ही चुनाव खत्म होगा, तो अब आपके पास टाइम नहीं है। एंड जितने भी अब चुनाव के बाद अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वैकेंसीज निकलेंगी, UP ELT ग्रेड UP TGT PGT एंड उत्तराखंड ELT अदर स्टेट, ये जो भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। बस मेरे साथ प्रतिदिन बने रहिए, रेगुलर बेसिस पे, चाहे थ्योरी सेशन पढ़ना हो, चाहे MCQ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना हो, चाहे आपका इंग्लिश हिंदी का प्रैक्टिस करना हो, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने BPSC TRE 2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ बेस्ट क्वेश्चंस का, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, फ्री में इतना चीज़ें आपको डेली बेसिस पे कोई नहीं दे रहा है, तो फ्री में अगर मिल रहा है तो आपको लगता है कि नहीं, इसका वैल्यू कम है, और यही ना जब पैसा लेती है तो आपको लगता है कि नहीं, हम पैसा दिए हैं अच्छे से पढ़े। तो दोस्तों, फ्री में चीज़ें कभी कभी अच्छी मिल जाती हैं, तो उसका भी आप कदर करना सीखें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किन्सियोलॉजी का अर्थ है, किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों किन्सिस प्लस लोगस से बना हुआ है, जिसका अर्थ, किन्सिस का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी गति का विज्ञान, गति का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, यह शरीर की गति का अध्ययन करता है किन्सियोलॉजी। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, धैर्य बना करके देखिएगा, क्योंकि सक्सेस आपको एक सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान की मदद से शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कोच, फिटनेस ट्रेनर तथा इस शिक्षा को प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या शामिल है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत बेसिक स्किल्स भी शामिल होता है एंड स्पेसिफिकेशन इन मोटर स्किल भी शामिल होता है, यानी जो मूलभूत कौशल है एंड मोटर कौशलों में विशेषता है, ये दोनों चीज़ें आवश्यक होता है इसके लिए, तो ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव यांत्रिकी यानी बायो मैकेनिक्स का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, प्राणियों के गतियों का अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी के अंतर्गत, एंड बायो मैकेनिक्स के अंतर्गत जो व्यक्तियों द्वारा, उपकरणों के द्वारा जो गति किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भाला को कितने कोण पर फेंकना है, डिस्कस को कितने कोण पर फेंकना है, ये सभी चीज़ें, बाल को कितने पॉइंट पर फेंकना है, ये सभी चीज़ों का ध्यान आपका जो बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों की गतियों का अध्ययन। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है, ये फिजिक्स की, भौतिकी की शाखा है। नेक्स्ट दोस्तों, त्वरण यानी एक्सीलरेशन की इकाई यानी यूनिट क्या है। तो दोस्तों, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, गति की सीमा कहलाती है। तो दोस्तों, गति की सीमा वह कहलाती है, कौन सी कहलाती है दोस्तों, गति किसी गतिविधि यानी एक्टिविटी में उपयोगी पूर्ण गति की किसी गतिविधि या एक्टिविटी में उपयोगी न्यूनतम गति। तो गति की सीमा दोस्तों, किसी गतिविधि यानी एक्टिविटी में उपयोगी पूर्ण गति को गति की सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है, बायोमैकेनिकल सिद्धांतों यानी थ्योरी के उपयोग का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका कैसे किया जा सकता है दोस्तों, तो प्रतिष्ठित रूप यानी कि डिस्टिंग्यूस्ड फॉर्म में एंड परिमाणात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव फॉर्म दोनों में किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क ख दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों परिणाम और आकृति आकार आकृति के आधार पर अस्थियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसामोइड बोन। लॉन्ग बोन लीवर का काम करती है हमारे शरीर में, ये जैसे हाथों पैरों में जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिमुला आदि में होता है। लंबी अस्थियों में बीच में खोखला भाग होता है जिसमें जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, उसके अंदर अस्थि मज्जा होता है जिसमें रक्त का निर्माण होता है। एंड दूसरा होता है शॉर्ट बोन जो कलाई और टखने के जो जैसे कार्पस टार्सस हड्डियाँ होती हैं, यह शरीर को संबंधित अंगों को ताकत प्रदान करती हैं। तीसरा होता है फ्लैट बोन जो जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है जैसे कि कपाल, पसलियाँ, इसके पुला में फ्लैट बोन होती हैं। चौथा होता है बेडौल या अव्यवस्थित या इरेगुलर बोन जिसे चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। पांचवा होता है कंडरास्थियाँ या सिसामोइड बोन जो कंडरा यानी जोड़ों के आसपास विकसित होने वाली होती है, जैसे कि इसमें पटेला सबसे मोस्ट होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन ये सभी आपके अस्थियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है त्वरण यानी एक्सीलरेशन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आसन नंबर क कि वेग परिवर्तन या वेग यानी वेलोसिटी जो वेग जो परिवर्तन होता है उसी को हम एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। दोस्तों जैसा कि वेग और स्पीड यानी वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में क्या अंतर है, जो स्पीड होता है उसमें दौड़ने की कोई दिशा नहीं होती है और जबकि वेलोसिटी जो होता है एक निश्चित दिशा में गति होती है। नेक्स्ट है वृत्ताकार गति यानी सर्कुलर मोशन के दौरान किसी वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो केंद्र बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बल या अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल पूछा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल लगेगा। अब बाहर से केंद्र की ओर पूछेगा दोस्तों तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट है सघन अथवा दबाव कंपेंसेशन और प्रेशर का कार्य करने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो यह बल दोस्तों प्रेशर कहलाता है, दबाव कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खींच कर लाना टू पुल को परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों खींच कर लाना इसको परिभाषित किया जा सकता है कि तरल बल जो गति का प्रतिरोध करने में कार्य करता है, इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्स निम्न में से संबंधित है। तो दोस्तों बल क्या है, धक्का देना या खींचना पुश और पुल, बलपूर्वक खींचना फोर्स थ्रोइंग, खींचना टू पुल, ये सभी चीजें बल से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक धुरी यानी एक्सिस जिसके बिंदु के चारों ओर घूर्णन यानी कि रोटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं प्लेन यानी कि तल, प्लेन यानी कि तल। प्लेन और एक्सिस दोनों तीन तीन होते हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है एक वस्तु की गति का प्रतिरोध कहलाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु की गति का प्रतिरोध को हम घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कहा जाता है, घर्षण होता है। ठीक है, जैसे कि खुरदरे सतह पर घर्षण जो है ज्यादा होता है, चिकने सतह पर घर्षण कम होता है। जैसे बाइक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये सभी घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु जैसे कि आपके खिलाड़ियों में उदाहरण है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स शूज होता है और जो एथलीट होते हैं उसके जो शूज होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो
शोल होते हैं, कांटे जैसे होते हैं, वो जो होती है दोस्तों वो घर्षण को बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के पदार्थ यानी कि मैटर की मात्रा में शामिल होता है। तो दोस्तों पदार्थ जो होता है उसमें शामिल होता है परिमाण यानी कि क्वांटिटी। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी का गुणनफल क्या कहलाता है। तो मास गुणे वेलोसिटी का गुणनफल जो है वह कहलाता है संवेग। संवेग का सूत्र होता है मास गुणे वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुणे वेग। और द्रव्यमान गुणे एक्सीलरेशन होता है बल यानी फोर्स का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्य हो चुका है उसको करने की दर यानी रेट क्या कहलाती है। तो उसे कहा जाता है पावर यानी कि शक्ति। नेक्स्ट है, गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जितना नीचे रहेगा उसमें संतुलन उतना ही अच्छा होगा, यह संतुलन यानी बैलेंस के लिए कार्य करता है। जैसे कि जो महिलाओं का सीजी पॉइंट होता है सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है, जिसके कारण संतुलन वाली क्रियाएं महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं। नेक्स्ट है, घूर्णन यानी रोटेशन गति यानी स्पीड की प्रवृत्ति का मुख्य प्रभाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका मुख्य प्रभाव कहलाता है बल आघूर्ण यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। रोटेशन और स्पीड की प्रवृत्ति का मुख्य प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है, फोर्स यानी बल एवं दूरी यानी डिस्टेंस का गुणांक क्या कहलाता है। तो बल और दूरी यानी डिस्टेंस का जो गुणांक होता है उसे कार्य यानी कि वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के ढांचों के मापन मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों ढांचों का जैसे कि वसा का मापन, शरीर के जैसे कि ये सभी चीज़ें आपका लंबाई ऊंचाई ये सभी एंथ्रोपोमेट्री यानी कि मानव मिति में किया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु के परिमाण यानी क्वांटिटी में त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है वजन यानी वेट। जहाँ पे समस्त भार कार्य करता है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स जो शरीर द्वारा किए गए कार्य में लगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल। बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फोर्स जो है मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है और एक्सटर्नल यानी बाह्य बल जो है हवा का प्रतिरोध, घर्षण बल एंड प्रतिरोध बल ये सभी आपके होते हैं। नेक्स्ट है, वह बल जो दो सतहों यानी सरफेस के मध्य परस्पर प्रतिरोध उत्पन्न करने लगता है तथा एक दूसरे पर आरोपित करता है तो वह क्या कहलाता है। दोस्तों उसे हम घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और फोर्स के लिए घर्षण फोर्स के लिए दो सतह होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त में आइसोकाइनेटिक की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति मतलब एक स्थिर गति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक में आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव यानी पेशियां लंबाई घटती बढ़ती है। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है, और जो आइसोमेट्रिक होता है
जिसमें आई से मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, सेम लंबाई, पेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, सेम लंबाई होती है, प्रत्यक्ष कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता है। एंड आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति। ये मशीनों की सहायता से किया जाता है, ज़्यादातर पानी वाले खेलों में जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। आइसोकाइनेटिक की खोज 1968 में जेम्स पेराइन ने किया था। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम, यह भी कहलाता है। तो आप सबको पता है न्यूटन ने तीन नियम दिए थे गति के, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम एंड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को संवेग का नियम या बल के प्रतिफल का नियम, या लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन आदि नामों से जाना जाता है। जैसा कि पूछा हुआ गया था कि न्यूटन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर राइट आंसर था परिणामी बल का नियम। नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा नियम त्वरण यानी एक्सेलरेशन का नियम कहा जाता है, तो उसको द्वितीय नियम को कहा जाता है। द्वितीय नियम को परिणामी बल का नियम, बल के प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम या संवेग का नियम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है घूर्णन यानी कि रोटेटिंग को नापने में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। यहाँ पे आप जान लीजिए कि डायनेमोमीटर स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मापता है, स्टेडियोमीटर शरीर की लंबाई को मापता है, गोनियोमीटर कोड़ों की गति को मापता है, जोड़ों को मापता है, लचीलापन को मापता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोटेटिंग को मापने में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कहलाता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है एक न्यूटन के बराबर क्या होता है, तो दोस्तों एक न्यूटन के बराबर होता है 0.22 पाउंड। नेक्स्ट है बल का सूत्र क्या है, अभी जस्ट बताई हूं, बल F बराबर एम ए, एम गुणे ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास गुणे एक्सिलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रेरक कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए मिली जुली मांसपेशियों द्वारा किया गया गामक कार्य को क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक पेशी दूसरे पेशी की सहायता कर रही है, यहाँ पे कार्य करने के लिए सहक्रमिता यानी कि साइनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट है मानव के कार्पस में कितनी अस्थियां होती है, कार्पस और टार्सस, कार्पस कलाई को कहते हैं और टार्सस जो है वो टखने की हड्डी को कहा जाता है। तो कार्पस यानी कलाई की हड्डियां कितनी होती है दोस्तों, 8 होती हैं। और जब पैर की टार्सस हड्डी पूछेगा तो वहां पे 7 होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की अस्थियां ताकत देने का कार्य करती हैं, तो दोस्तों हर जगह इसका आंसर लंबी अस्थियां, लंबी अस्थियां दिया हुआ है, लेकिन होगा छोटी अस्थियां। इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा डिटेल में ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है किस प्रकार की अस्थियां ताकत देने का कार्य करती है। हमने तो पढ़ा है छोटी अस्थियां देती है, लेकिन यहाँ पे बार बार सही आंसर लंबी अस्थियां दिया है, तो मैं छोटी अस्थियां ही मान रही हूँ, आप इसको क्लियर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हड्डियों का घनत्व ज्यादा किस में होता है, तो दोस्तों हड्डियों का ज्यादा घनत्व पुरुषों में ही होता है, सभी चीजें प्रकृति ने पुरुषों में ज्यादा दिया है, ठीक है। चाहे हृदय की वजन हो, चाहे पुरुष, चाहे आपके हड्डियों का घनत्व हो, तो पुरुषों में 3.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, महिलाओं में 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर अस्थियों का घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ है जिसमें पारस्परिक तंत्रिका वितरण होता है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडल ज्वाइंट, ये चल संधि का उदाहरण है। जैसे कि जो सैडल ज्वाइंट होता है जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं, इसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि भी कहा जाता है, जो किसी भी दिशा व तल में गति होती है। जैसे कि जो हमारे हथेली की मेटाकार्पल की जो ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है, उसे हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। आपको पता ही है कि जो ज्वाइंट होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, अचल, चल, अधचल और अचल, जिसको मैंने आपको सूत्र बताया था डास, डी ए एस, ठीक है, डी ए एस।
डी से हो जाएगा चल संधि यानी कि डायर्थ्रोसिस, ए से हो जाएगा अर्धचल संधि यानी एम्फियार्थ्रोसिस, एस से हो जाएगा साइनो अचल संधि यानी साइनोथ्रोसिस, जिसमें से आपको जो अचल संधि होता है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि फेस ज्वाइंट, कील संधि, तंतु संधि, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। और जो अचल संधि होता है खोपड़ी के जोड़, जिसे सूजन ज्वाइंट भी कहते हैं, एंड गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट, दांतों का जोड़ अचल संधि में आएगा, एंड एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट भी आपका अचल संधि में आएगा। अर्धचल संधि, जो अर्धचल संधि को सिंपली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है, जिसे बहुत कम गति होता है, जैसे कि इंटरवर्टिबल ज्वाइंट जो रीढ़ की हड्डी का जोड़ होता है, और जैसे कि जो आपके पसलियों का जोड़ होता है, एंड प्यूबिक सिंफेसिस जो टेल बोन के पास का जोड़ कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा होता है वो होता है, एंड तीसरा होता है चल संधि। चल संधि को हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है, जो छह प्रकार का होता है, जो आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। छह प्रकार में जैसे कि पहला हुआ ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकती है, जैसे कार्पस और टार्सस जोड़। दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं, जिसमें एक हड्डी का एक गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार में फंसा रहता है, जिसमें सभी दिशाओं में गति होती है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है चल संधि में हिंज ज्वाइंट, जिसमें एक तल में गति होती है यानी एक ही दिशा में, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, इसलिए इसको कोर संधि या कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत एग्जाम्पल है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़। चौथा होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जिसमें दोनों तल में गति होता है, जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़। पांचवा होता है पीवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मोमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे हमारे सिर की गति, ठीक है, सिर गर्दन पर घूमता है, और जैसे हमारा रेडियस अल्ला हड्डी के ऊपर प्रोनेशन सुपाइनेशन जैसे घुड़न गति करते हैं। छठा होता है आपका सैडल ज्वाइंट, जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, जो किसी भी दिशा और तल में गति करती है, जैसे ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जिसमें सुधा अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्पल जोड़ किसका उदाहरण है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ, या आपका कार्पल जोड़ किसका उदाहरण है, तो कार्पस और टार्सस जो ज्वाइंट है यह एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। तो यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट किया है दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं दिया है दोस्तों, तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जैसे कि जो पीवट ज्वाइंट होता है, गर्दन का ज्वाइंट हो गया, गर्दन का जोड़, कब्जा संधि हमारा कोहनी घुटने एंड उंगलियों का जोड़ हो गया, कंदुक खलिका संधि हमारा शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट हो गया, और जो कॉन्डिलाइट ज्वाइंट हुआ वो हमारा रिस्ट यानी कलाई का जोड़ हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जबकि कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो है कलाई के जोड़ को रिस्ट ज्वाइंट को कहा जाता है, लेकिन जब कार्पस और टार्सस कहे वहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट आएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसके टिक किया, चार में से एक ऑप्शन आपको टिक करना ही होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत माने जाएंगे। नेक्स्ट है डिमिनिसी, कौन सा तल यानी प्लेन जो मानव शरीर को ऊपर और नीचे भागों में विभाजित करता है, क्या कहलाता है? दोस्तों तीन प्रकार के तल होते हैं यानी कि प्लेन होते हैं, आपको कई बार बताया गया है, जैसे कि फ्रंटल, सेजिटल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो फ्रंटल प्लेन होता है, प्लेन जो है तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। जो सेजिटल प्लेन होता है इसको लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति जो है दाएं बाएं होती है, जैसे एबडक्शन एडक्शन। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो है सभी रोटेशन और एलिवेशन मोमेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शरीर को ऊपर नीचे बांटने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी ट्रांसवर्स प्लेन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट दोस्तों,
निम्न में से किस अस्थि को छोड़कर सभी में कोणीय संधि यानी एंगुलर ज्वाइंट पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, तीनों एंगुलर ज्वाइंट कहलाएंगे, बट स्केपुला नहीं कहलाएगा क्योंकि यह सभी दिशाओं में गति करता है। नेक्स्ट है अग्रभुजा यानी फोर आर्म की प्रमुख अस्थियां कौन है? जो अग्रभुजा होता है दोस्तों रेडियस और अल्ना हड्डी यहाँ पे मेन होता है, तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है किसी धावक की स्थिति सेट आदेश के दौरान क्या होती है? जैसे कि स्प्रिंट दौड़, जैसे 100, 200, 400 मीटर दौड़, 4x100 मीटर रिले रेस, इसमें आपका तीन आपके ऑर्डर दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क सेट एंड गो। तो सेट स्थिति में जो धावक की स्थिति होता है अस्थिर समयावस्था होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कौन से प्रकार का तंतु लंबी अवधि की गतिविधि में थकान का विरोध करने में सक्षम होती है? तो मांसपेशी तंतु दो प्रकार की होती हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर जो है फास्ट ट्विट यानी जल्दी जल्दी संकुचित होती है, जो अति तीव्रता यानी कि हाई इंटेंसिटी अनएरोबिक क्रियाओं यानी शक्तिवर्धक मसल्स वाले में होती है, कम समय की क्रियाओं में। एंड जैसे कि 100 मीटर दौड़ में आपका व्हाइट मसल फाइबर काम करेगा, और जो रेड मसल फाइबर होता है वो स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे संकुचित होती है, जो एंड्योरेंस वाले लंबे समय की क्रियाओं जिसमें एरोबिक वाले खेलों में थकान का प्रतिरोध करने में सक्षम होती है, वहाँ पे रेड मसल फाइबर काम करता है, सक्षम होता है, यानी मंद तंतु यानी स्लो फाइबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मांसपेशियों जोड़ों को मोड़ने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स होती हैं हमारे शरीर में, जो मोड़ने का काम करती हैं उसे फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है, जो फैलाने का काम करती है उसे एक्सटेंसर मसल्स कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा था दोस्तों, सब यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों साइनोवियल जोड़ है, तो दोस्तों जो हमारी साइनोवियल जोड़ होती है हमारे जोड़ों पर पाया जाता है, यानी कि ये कैसा है, साइनोवियल जोड़ हमारे जोड़ों पर पाया जाता है जो हमारे शरीर को घिसने से बचाती है। तो यहाँ पे साइनोवियल जोड़ का मतलब यह चल संधि है, फ्रीली मूवेबल है, जिसे हम डायट्रोसिस भी कहती हैं, या स्वतंत्र गतिशील यानी इनडिपेंडेंट डायनेमिक के अंतर्गत आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो धैर्य बना के देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थक जाएंगे तो थोड़ा आप रुक जाइएगा, फिर 2 मिनट बाद देखिएगा, बट पूरा देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सी तंतुदार संधि है? दोस्तों फाइबर्स ज्वाइंट, तंतुदार संधि यानी फाइबर्स ज्वाइंट, अभी जस्ट बताई हूँ कि जो हमारा अचल संधि होता है उसको फाइबर्स ज्वाइंट भी कहा जाता है, या कील संधि या तंतु संधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका खोपड़ी की संधि जो है वो अचल संधि के अंतर्गत आ जाएगा, खोपड़ी की संधि को सूजर भी कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका खोपड़ी की संधि। नेक्स्ट है अग्रगामी यानी फॉरवर्ड और पश्चगामी यानी बैकवर्ड का समानार्थी क्या है? तो अग्रगामी यानी आगे या पश्चगामी बैकवर्ड यानी पीछे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उधर कशेरुका यानी लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? कुल वर्टिब्रा आपकी होती है रीढ़ की हड्डी में 33, बच्चों में और वयस्कों में 26। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है आपका यानी गर्दन में 7, फिर वच्छ यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 12, फिर कटी यानी लंबर में 5, फिर सेक्रल में 5, जो आगे चलकर वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है, और 5वां होता है कॉक्सिजियल जिसमें 4 वर्टिब्रा होती है, जो आगे चलकर वयस्क होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है, जिसे 26 वर्टिब्रा बचती है। तो यहाँ पे आपका लंबर में यानी कमर वाले भाग में 5 वर्टिब्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अस्थि जो उपास्थि को प्रतिस्थापित कर बनाई जाती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों एक अस्थि जो उपास्थि को प्रतिस्थापित करके बनाई जाती है उसे प्रतिस्थापित अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रतिस्थापित अस्थि कहते हैं। यह प्रतिस्थापित अस्थि दोस्तों ज्यादातर पटेला होता है जो हमारी घुटने पर होता है, ऑर्टिफिशियल उसको लगा दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक अस्थि जो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के परिवर्तन के द्वारा बनी होती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है निवेशित हड्डी अस्थि यानी इनपुट बोन कहलाती है। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एड़ी की अस्थि का विशेष कार्य क्या है? दोस्तों एड़ी की हड्डी हमारे शरीर की समस्त भार को उठाता है यानी शक्ति देता है हमको चलने की, सब कुछ करने की यहाँ पे शक्ति देना कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोवियल संधि का उदाहरण नहीं है। साइनोवियल संधि यानी कि चल संधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोहनी संधि, आपका हिंज ज्वाइंट यानी साइनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि का उदाहरण है, घुटने की संधि भी है, कंधे की संधि भी है, तीनों आपकी साइनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि के उदाहरण है। जबकि इंटरवर्टिबल ज्वाइंट जो हमारा रीढ़ की हड्डी की ज्वाइंट होता है यह अर्धचल संधि के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सबको पता है मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है खोपड़ी यानी कपाल में स्कल में कुल 29 हड्डियां होती हैं, 29 नदियां रहे तो 22 आपका राइट होगा, ठीक है, 22 नदियां रहे तो 8 राइट होगा। कुल 29 हड्डियों में आपका खोपड़ी यानी क्रिनियल 8 होती हैं, चेहरा में 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं, कंठिका यानी हाइड बोन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाई में कार्पल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कार्पल यानी कि कलाई में 8 होती हैं, याद रखिएगा, और टार्सल हड्डियाँ जो टखने में होती हैं वो 7 होती हैं, याद रखिएगा, एक कम होता है। नेक्स्ट है मानव हाथ में कौन सा लीवर तंत्र प्रचलित है? तो दोस्तों जो मानव हाथ में अगर हाथ को फैलाएंगे तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, हाथ को मोड़ेंगे फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म तो वहाँ पे तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे शरीर में तृतीय प्रकार का ही उत्तोलक पाया जाता है, इसलिए इस आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क, तृतीय प्रकार का। नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, संधियों जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है अवधि मापन है, तो यह अवधि जो है वह समय की मापन है। नेक्स्ट है चाल की इकाई क्या है? दोस्तों चाल की इकाई है, दो इकाई होती है, या मीटर प्रति सेकंड कहिए या किलोमीटर पर आवर कहिए। जब भी मीटर के साथ आएगा तो प्रति सेकंड रहेगा, किलोमीटर के साथ आएगा तो प्रति घंटा रहेगा, याद रखिएगा। तो किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकंड आपका राइट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काल्पनिक रेखा इमेजरी लाइन जो आगे पीछे से एक दिशा से दूसरी ओर पार करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है सेजिटल प्लेन, ठीक है। मान लीजिए एक कोई आदमी है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे कट करती है जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है, तो इस दिशा दूसरी दिशा में पार करती है, तो इसे कहा जाता है सेजिटल तल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेजिटल तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धड़ यानी टोर्सो जिसमें हमारा दोनों हाथ दोनों पैर नहीं गिना जाता है, हमारे धड़ से लेकर कमर तक का भाग जो है, कंधे से लेकर कमर तक का भाग, वक्ष से लेकर कमर तक का भाग टोर्सो कहलाता है। तो टोर्सो का हिंदी किसी एक और झुकाव किस प्लेन और अक्ष का उदाहरण है? किसी एक और झुकाव यानी दाएं बाएं झुकाव हो रहा है यानी गति दाएं बाएं हो रही है, तो ये किसमें है, किसमें दाएं बाएं गति होती है? दोस्तों जो हमारा फ्रंटल प्लेन होता है उसमें आगे पीछे शरीर को बांटता है लेकिन गति दाएं बाएं होती है, यानी कि यहाँ प्लेन तो समझ में आ गया कि फ्रंटल प्लेन होगा
लेकिन प्लेन के जस्ट अपोजिट आपका रहेगा आपका एक्सिस, तो वहाँ पे फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सिस राइट होगा, फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सिस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक संकुचन यानी कंट्रक्शन में मांसपेशियां क्या होती है। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई होती है, ना मांसपेशी छोटी होती है ना तो बड़ी होती है, जैसे दीवार को धक्का मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केपुला अस्थि पाई जाती है। दोस्तों जो हमारे कंधे की हड्डी होती है यानी ऊपरी पृष्ठभाग में अपर बैक में पाई जाती है स्केपुला, स्कंधास्थि भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स की वह शाखा है, यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें शरीर की किस अवस्था में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह गति विज्ञान की शाखा है, इसलिए इसमें शरीर में गति में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया भी था कि मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें बल के कारणों की व्याख्या की जाती है। बल का अध्ययन खाली कहता तो काइनेटिक्स हो जाएगा, अब बल के कारणों की गति जिसमें गति होती है बल के कारण उसमें काइनेमेटिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बल के कारणों की व्याख्या की जाती है, वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स। यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था कि वह क्षेत्र जहाँ बलों का अध्ययन फोकस में रहता है, केंद्र में रहता है, वह क्या कहलाता है? तो काइनेटिक्स कहलाता है। जबकि बल के कारणों की व्याख्या की जाए या बल के कारण जो वस्तु में गति होती है तो वहां पे काइनेमेटिक्स हो जाएगा। दोनों में आपको अंतर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी पर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है कि यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्पन्न बल का अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बल पे जोर दिया गया है तो वहां पे काइनेटिक्स हो जाएगा। बल के कारण की व्याख्या की जाए, बल के कारण जो गति होती है उसको काइनेमेटिक्स में अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक कंकाल इंटरनल स्केलेटल सिस्टम में शामिल है। तो वह कंकाल अंतर कंकाल, अंतर कंकाल में हमारा बोन और कार्टिलेज यानी कि अस्थियां उपास्थियां आती हैं, और वह कंकाल के अंतर्गत हमारा त्वचा, हमारा बाल, नाखून आदि आते हैं। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी दिया ही नहीं है दोस्तों, तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुबड़ा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जो पीछे वच वाला भाग बाहर गोल तरह निकल जाता है तो उसे हम काइफोसिस कहते हैं, जिसे हंच बैक, गोल कमर आदि नामों से जाना जाता है। स्कोलियोसिस को लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन बोला जाता है, जो एक रीढ़ जो है यस या सी के आकार में हो जाता है। लॉर्डोसिस में बीच में करो हो जाता है, कमर में पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट है बॉक्सर की मांसपेशियां कहलाती हैं। तो दोस्तों सेरेटस इंटीरियर मसल्स को बॉक्सर मसल्स बोला जाता है, और जो हमारे वच पर मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर उसे हम थ्रोइंग मसल्स बोलते हैं। तो इस सब के बारे में आप मसल्स वाले पार्ट में जाइए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है खुली वातावरण में फेंकी गई किसी वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है। तो दोस्तों हम जब कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो उसको ट्रेजेक्टरी पथ में फेंका जाता है, तो यहाँ पे खुले वातावरण में किसी वस्तु की फेंकी गई मार्ग को हम क्या कहते हैं? ऐसे गया तो इसी को हम पैराबोला कहेंगे। क्या बोलेंगे? पैराबोला। दोस्तों ट्रेजेक्टरी क्या होता है कि किसी वस्तु को हम किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतर दूरी तय करे। अधिकतर 45 अंश पर हम फेंकते हैं तो अधिकतर दूरी तय करती है, जो पैराबोला जैसे आकृति बनाती है, और 90 अंश पर फेंकते हैं तो कोई दूरी तय नहीं करती है। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों खेल कूद की गतिविधियों में किस प्रकार का उत्तोलक सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा उत्तोलक प्रभावकारी होता है थर्ड प्रकार का, जिसमें फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, जिसे गति का लीवर भी कहते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, भुजा यानी आर्म की ऊंचाई में कौन सी पेशी शामिल है? तो जो हम बांह को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स काम करती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, शरीर में लंबी अस्थि का क्या कार्य है? तो आप सबको पता है, यह उत्तोलक की तरह यानी लीवर की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस गुजरता है दोस्तों, तो ऐसे गुजरता है जमीन के लंबवत गुजरता है, तो यहाँ पे जमीन के लंबवत यानी जमीन के परपेंडिकुलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो आप सबको पता है, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होता है फीमर यानी उर्वास्थि, सबसे छोटी अस्थि होता है कांड की स्टेपस, सबसे मजबूत अस्थि होता है गाल के निचले जबड़े की मैंडिबल। नेक्स्ट दोस्तों, एगोनिस्ट पेशियों में मांसपेशियां हैं, तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों का आप नाम सुने होंगे। तो एगोनिस्ट जो होता है जो गति में मेन जिम्मेदार होता है, जो पेशियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है, मुख्य भूमिका अदा करता है, उसे हम एगोनिस्ट पेशियां कहते हैं। तो यानी जो मुख्यतः गति के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट, और उसके विपरीत जो गति होता है उसे कहा जाता है एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो आप सबको पता है कान की स्टेपस मसल अस्थि यानी कि बोन। मसल्स में बात करेगा सबसे छोटी मसल्स तो कान की ही होती है, स्टेपेडियस। नेक्स्ट है, एक धावक जो 100 मीटर दौड़ को 10 सेकेंड में पूरा करता है उसकी चाल क्या होगी? वेरी इजी क्वेश्चन, ये पूछा भी था दोस्तों। तो एक सेकेंड में अगर 10 मीटर दौड़ती है तो 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ेगी यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी धावक पर दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले लगने वाला बल क्या है? दोस्तों दौड़ की समाप्ति के ठीक पहले जो बल लगता है वो आपका प्रतिक्रियात्मक बल यानी रिएक्टिव फोर्स यानी घर्षण बल एंड वायु प्रतिरोध, ये सभी बल कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट होगा, जब आप गेंद को फेंकते हैं और गेंद रुकता है तब पर भी यही सभी बल कार्य करते हैं, वायु बल। नेक्स्ट है, सेट एवं गति दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो री स्टेट एंड गति दोनों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत दोस्तों? जैव यांत्रिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जैव यांत्रिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तोलक में वजन यानी कि भार यानी रेसिस्टेंस बल और आलम यानी फोर्स और एक्सिस के बीच में होता है? तो मैंने कई बार बताया है एफ ए आर 312, ठीक है, एफ ए आर 312, ठीक है, 312। यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है। यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों कि वजन जो है यानी भार बल और आलम के बीच में होता है, तो कौन सा लीवर कहलाएगा? सेकेंड प्रकार का लीवर कहलाएगा। नेक्स्ट है, कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के चारों ओर कौन सी गति होती है? तो जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा है जो किसी भी दिशा और तल में गति करता है, या फिर खिंचाव यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, सभी प्रकार की गतियाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट बोला जाता है। अस्थि कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट बोला जाता है। जिसके में और दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ ऑस्टियोब्लास्ट जो है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, याद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस्टिंग पेशी कब संकुचित होती है? जो हमारा हेमिस्टिंग मसल्स होती है, जांघ के पीछे की मसल्स हेमिस्टिंग, जो तीन मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडिनियस, इन तीनों का नाम आएगा,
कोई तीनों में से कोई एक का भी नाम आएगा, चाहे हेमिस्ट्री का नाम आएगा, तो आपको राइट आंसर देना है कि ये पेशियाँ जो है घुटने को मोड़ने में काम आती हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, खींचे हुए घुटने में, ठीक है, खींचे हुए घुटने यानी कि घुटने मुड़े हुए हैं, ठीक। आप फैले हुए घुटने कहेगा तो आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स काम करेगा। नेक्स्ट है लैटिमस डोर्सी उपस्थित है, तो दोस्तों लैटिमस डोर्सी मसल्स जो होती है वह पीठ के पिछले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोहनी मोड़ने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, जो हमारा बाइसेप्स मसल्स होती है, ह्यूमरस हड्डी के ऊपर जो मसल्स होती है बाइसेप्स मसल्स, जो कोहनी को मोड़ने में काम आती है, और बाइसेप्स के नीचे जो होती है पीछे ट्राइसेप्स मसल्स, जो कोहनी को फैलाने में काम आती है। नेक्स्ट है दोस्तों लार्डोसिस, इसे भी कहा जाता है, तो यहाँ पे गोलाकार पीठ को हम काइफोसिस यानी कुबड़ा बोलते हैं, पार्श्विक पीठ को हम लेटरल डिवीएशन ऑफ स्पाइन यानी कि स्कोलियोसिस कहते हैं, तो यहाँ पे खोखली पीठ यानी कि आपका जो कमर वाला भाग होता है वो कर्व हो जाता है वहाँ पे, जैसे कि ये आपका हो गया लार्डोसिस, ठीक। नेक्स्ट है वह अस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल होती हैं तो क्या कहलाती हैं, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह अस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल होती हैं उसे ऑस्टियो ब्लास्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वह अस्थि कोशिकाएं जो हड्डियों के विघटन में शामिल होती हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट, और निर्माण की बात करेगा तो ऑस्टियो ब्लास्ट। नेक्स्ट है वच्छी यानी थोरेसिक कंकाल तंत्र बना होता है, तो दोस्तों जो हमारा थोरेसिक कंकाल तंत्र होता है वह अस्थि उपास्थि दोनों से बना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर उपास्थि यानी कॉर्डिलेज अस्थि दोनों का बना होता है, तो क ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप सबको पता है 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर। जो एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल होते हैं 80 होती है, जो अपेंडिकुलर होती हैं जिसमें अपर लिंब में 64 हड्डी और लोअर लिंब में 62, कुल 126, यानी अपर लिंब एक्सियल और अपेंडिकुलर कुल 206 हड्डियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है वच्छी एंड थोरेसिक शरीर दीवार की मांसपेशियां क्या हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम मसल्स, जिसमें हमारा जो फेफड़ा जो होता है वो खड़ा रहता है। डायफ्राम मसल्स जो है वो आपका इंटरकोसल मसल्स से बना होता है, जिसको सिक्योरने या फैलने से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि श्वास अंदर आता है और बाहर जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हायर समूह की पेशियां द्वारा प्रस्तुत सामान्य कार्य होता है, जो हमारे कंठ में हायर बोन होता है उससे सामान्य कार्य क्या होता है, तो उससे दोस्तों जो निगलते हुए बोलना ज्यादा सामान्य कार्य होता है। नेक्स्ट है उस मांसपेशी का नाम बताइए जो कुल जनसंख्या के केवल 8% लोगों में पाई जाती है, तो वह आपका मांसपेशी होता है स्टर्नेलिस, कौन सा होता है स्टर्नेलिस। नेक्स्ट है कौन सी मांसपेशी पसलियों से जुड़ी नहीं है, तो दोस्तों पसलियों से जुड़ी नहीं है कौन सी मांसपेशी, तो यहाँ पे कौन कौन सा जुड़ा है, सबक्लेवियन यानी कि जो हमारा हसली होता है वो भी जुड़ा होता है, पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वच पर होता है वो भी मसल्स जुड़ी होती है पसलियों से, सेटस इंटीरियर जिसे बॉक्सर मसल्स कहते हैं वो भी जुड़ा रहता है, जबकि लिवेटर इसके पुली नहीं जुड़ा रहता। कौन सी मसल्स कहाँ पे पाई जाती है उस वीडियो को मेरे देख लीजिए तो आपको सभी चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी। नेक्स्ट है कौन सी पेशी कंधों को मध्यम औसत घूर्णन देती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, कंधों को औसत घूर्णन देती है जिसे हम किसी वस्तु को फेंक पाते हैं यानी थ्रो कर पाते हैं, इसलिए पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वच पर होती है इसे थ्रोइंग मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सी मांसपेशी स्केपुला अस्थि के निचले भाग से जुड़ी रहती है,
तो दोस्तों स्केपुला अस्थि के निचले भाग से जुड़ी रहती है टेरिस मेजर मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है? तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा सैडल ज्वाइंट में, जो हमारा ट्रेपेजियस अथवा मसल्स प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि होती है, जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है, तो उसमें मसल्स होता है आपका। तो कौन सा मांसपेशी अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थिनर पेशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, थिनर पेशी आपका अंगूठे को घुमाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के अध्ययन के लिए निम्न की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों गति के अध्ययन के लिए समय, दूरी, वेग, इन सभी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, कौन सी पेशी तीन संधियों को पार करती है? तो दोस्तों जो बाइसेप्स ब्रोंकी होती है, जो हमारा बाइसेप्स मसल्स होता है, उसके नीचे जो हमारा रेडियस अल्ला हड्डी बाइसेप्स मसल से जुड़ी होती है, तो वहाँ पे आपका बाइसेप्स ब्रोंकी होती है, जो तीन संधियों को पार करती है। नेक्स्ट है, सब इसके पुलेरी पेशी का कार्य है? तो दोस्तों यह कंधों का औसत घूर्णन करती है। सब इसके पुलेरी पेशी जो क्या करती है, कंधे का औसत घूर्णन करती है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। दोस्तों लंबा वीडियो हो गया है, बट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे सभी तक सभी के पास वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।